This video is sponsored by GMS Group of Institution NH9 Hapur Bypass Hapur. सस्ता हुआ टमाटर, कीमतें हुई धड़ाम, अब दाल में लगेगा तड़का। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। खबर हापुड़ से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब्जियों के दामों ने अचानक से आसमान छू लिया। कीमतें 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। वहीं मंडी में सब्जियों की आवक बढ़ने के साथ ही टमाटर के दाम फिर से कम होने लगे। अब सब्जी में टमाटर के साथ ही तड़का लग सकेगा और थाली में भी पूरी सलाद सज सकेगी। मंडियों में आवक बढ़ते ही टमाटर के साथ अन्य सब्जियों के दाम भी कम होने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम सिंह। राम सिंह जी, टमाटर क्या भाव चल रहा है आज? आज चल रहा है यहाँ पे 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो क्या रेट था? पिछले हफ्ते में तो 200 भी बढ़ गया, 150 भी था, आज मंदा है। कितने दाम कम हुए हैं? आधे हो गए। तो जैसे अब आज दाम कम हुए हैं तो ग्राहक आ रहे हैं? अभी तो ऐसे ही अभी तुम्हें ये पता है कि पहले महंगा तो हो सके, अभी महंगा हो तो अभी दिक्कत बहुत है। और हाँ, लगेंगे पता बिकने लगेगा, सौदा बिक रहा है। पहले तो 50 से 200 रुपए किलो बिक भी ना रहा, अब कम से कम बिक तो रहा थोड़ा बहुत। अगर आप सब्जियों भी करें जाए तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा रेट किस सब्जी के हैं इस टाइम? सब्जियों में टमाटर ही सब में ज़्यादा उछाल पे। अदरक और टमाटर 200 रुपये। अदरक हाँ, अदरक भी नया अदरक तो मंदा हो गया। और टमाटर तो जो आपके ग्राहक आ रहे हैं कस्टमर हैं, बहुत थोड़ा ले पा रहे होंगे। हाँ, बहुत थोड़ा ही ले रहे हैं अभी। तो जैसे आज दाम कम हुए हैं लोगों पर, एक किलो जो चीज़ बिकेगी अब वो 250 में आधी किलो बिक रही है। टमाटर में 250 में लेके चलते, 20 रुपये का भी ले लें, माना ना माना। कांवड़ यात्रा के दौरान थोक में 200 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर अब 100 रुपए किलो तक पहुंच गया। मंडी में इसके सस्ता होते ही बाजार में भी जल्द ही ये सस्ते में उपलब्ध होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार। क्या करते हैं आप? मेरा सब्जी का काम है, ये दुकान है। अच्छा, सब्जी की बात करें तो टमाटर आज क्या भाव बिक रहा है? आज 120 रुपए किलो का रेट है। पिछले हफ्ते की बात करें तो क्या रेट पहुँच जाते हैं? 200 रुपए का रेट था। तो कितने रुपए दाम घटे आज? 80 रुपए हफ्ते भर में घट गए हैं। तो जैसे पहले टमाटर काफी सस्ता था और एकदम से महंगा हुआ, लोगों पर असर पड़ा इसका? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। पहले कम बिक रहा था, अब ज्यादा बिक रहा है। रेट कम होने के बाद पहले एक करेट नहीं बिक पा रही, अब एक करेट बिक रही है। 1.5 रुपए का दाम पड़ता है, 1.5 रुपए का दाम पड़ता है छोटा वाला। ठीक है, कितना टमाटर लगभग जैसे आप लाते हैं मंडी से, कितना लाते हैं? 15 किलो। पूरा बिक जाता है? अन्य सब्जियों के दाम भी कम होने लगे हैं। दरअसल भरी बरसात और कांवड़ यात्रा के चलते मंडियों में टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य सब्जियों की आवक कम हो गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरंदर है। क्या लेने आए हैं आप? आप टमाटर लेने आए थे हम। अच्छा, तो क्या रेट मिला है टमाटर? ये 120 रुपए किलो दिया जी। 120? पहले कितना था, एक हफ्ते पहले की बात करें तो? पहले एक हफ्ते पहले ये का जी 200। अच्छा, तो कितना टमाटर लिया है आपने? एक पाव लिया 250 ग्राम। इतना कम क्यों लिया है? कम ये लिया, जब महंगा जाता है तो कम ही खा लेंगे थोड़ा। अच्छा, तो जैसे टमाटर के आज 80 रुपए दाम घटे हैं, क्या कहना है इसको लेकर आपका? अब क्या कहें भाई, जब महंगा है तो महंगा ही, अब इस चीज़ का महंगा है कि तो हमें तो पता ना कैसे महंगा करो। अच्छा, हिमाचल में बारिश से इस बार टमाटर, गोभी समेत अन्य सब्जियों की फसलें 70% तक खराब हुई। इस कारण पिछले 10 दिनों तक मंडियों में हिमाचल के टमाटर की आवक बेहद कम रही। ऐसे में टमाटर के दाम 110 से 210 रुपए किलो तक पहुंच गए। क्या नाम है आपका? ये किशोर है। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये सब्जी की। टमाटर क्या भाव है आज? टमाटर भैया 120 रुपए किलो, 100 रुपए किलो दो भाव है। पिछले एक हफ्ते पहले क्या रेट था? एक हफ्ते पहले 160 रुपए किलो था, उससे पहले 200 रुपए किलो। तो जैसे एकदम दाम घटे हैं टमाटर के, क्या कहना है इसको लेकर? भैया बाजार में आवक ज़्यादा हो गई, रास्ते बंद थे पहले कांवर की वजह से, अब रास्ते खुल गए हैं, अब दो जगह का टमाटर चल रहा है, शिमला वाला आ रहा है, बेंगलोर वाला आ रहा है, पहले एक ही जगह का टमाटर आ रहा था, तो आवक ज़्यादा होने से बाजार में रेट घट गए। अगर हम खपत की बात करें तो पिछले हफ्ते ज़्यादा बिक रहा था या अब तक रेट कम होने के बाद ज़्यादा बिक रहा है टमाटर? अब थोड़ा सा ज़्यादा बिक रहा है, पहले आदमी एक आधी किलो ले रहे थे, अब एक एक किलो ले रहे हैं, थोड़ा रेट डाउन हो गया तो थोड़ा दुकानदारी सही निकल गई है। लोगों को राहत मिली है दाम कम होने से? नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल राहत मिली है। अब कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद मार्ग खुले और हिमाचल के साथ ही बैंगलोर से टमाटर मंडी पहुंचने लगा है, इससे टमाटर के दाम कम हुए हैं।